इसमें ला रामा रही द टॉपिक ऑफ टोडेज डिस्कशन इज जनरल पैथोलॉजी के हम पॉइंट्स पढ़ेंगे जो एस के पैथालोजी uh, के अंदर दिए हुए हैं पेज नंबर फोर्टीन के ऊपर दिए हुए हैं यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बताया हुआ है कि जो आपका सेल का साइज जब ज़्यादा होता है ना तो उसे हम कहते हैं, हैं हाइपरट्रॉफी और जब आपके नंबर ऑफ सेल ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको हम हाइपरप्लेजिया कहते हैं हाइप्रोप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी दोनों एक साथ होते हैं प्रेगनेंसी के अंदर यूट्रस में और परमानेंट टिश्यूज़ आपके कार्डिक मसल होता है स्केलेटन मसल होता है और नर्व होते हैं ये नए सेल्स नहीं बनाते हैं और इनकी हाइपरट्रॉफी से फरसर्फ होती है एट्रॉफी के अंदर आपका जो सेल का साइज़ होता है और जो नंबर होता है वो डिक्रीज़ कर जाता है मेटाप्लेजिया के अंदर चेंज आता है किसी भी स्ट्रेस की वजह से किसी ऑर्गन के अंदर जिसमें एक सेल टाइप दूसरे सेल टाइप के अंदर चेंज हो जाती है ये रिवर्सबल होता है और इसकी एक्जाम्पल में बैलट से सॉफिकस आता है इसोफिकस की जो नॉर्मल लाइनिंग होती है वो नॉर्मल नॉन कैटनाइज स्क्वायिस एपिथीलियम होता है जो फ्रिक्शन को फूड के बोलस की फ्रिक्शन को हैंडल कर लेता है एसिड रिफ्लक्स जब आपका स्टमक से आता है तो उसकी वजह से आपको मेटाप्लेजिया डिवेल्प हो जाता है और आपका इस जिसफेक्स का एपिथेलियम होता है, है वो नॉन सिलेटेड म्यूसिन प्रोड्यूसिंग कॉलमर सेल्स के अंदर चेंज हो जाता है और वाइटामिन ए की केविशंसी की वजह से भी आपको मेटाप्लेजिया डिवेलप हो जाता है डिस्प्लेजिया में आपकी डिसऑर्डर्ड सेल ग्रोथ होती है और इसमें आपकी प्रोलिफ्रेशन होती है प्री कैंसरस सेल्स की और डिस्प्लेजिया भी आपका रिवर्सिबल होता है ए प्लेजिया में आपके सेल की प्रोडक्शन का फेलर हो जाता है जैसे कि रीनल एजेनेसिस के अंदर हाइपोप्लेजिया में आपकी सेल की प्रोडक्शन कम हो जाती है जैसे कि स्ट्री कोवरिज होती हैं टर्नर सिंड्रोम वाले पेशेंट्स के अंदर मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन Uh, आपके नॉर्मल टिश्यूज़ के अंदर भी हो सकती है और जो कॉज होती है मैटस्टेटिक कैल्सिफिकेशन की वह आपका हाइपर होता है या फिर हाइपर हो सकता है ऑस्टियोलिटिक बोन ट्यूमर हो सकता है या विटामिन डी की टॉक्सिसिटी की वजह से मिलकैल्कली सिंड्रोम के अंदर मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन आपके प्रीवियसली नॉर्मल टिश्यूज़ के अंदर होती है और इसमें आपके कैल्शियम आपके ब्लड में ज़्यादा जाने की वजह से हाइपर पैराथायरॉडिज़म के अंदर पैराथायर हार्मोन आपका ज़्यादा हो गया है या कि आपको ऑस्टिलिटिक ट्यूमर ट्यूमर बोन ट्यूमर डिवेलप हो गया या फिर आपकी वाइटमिन डी की टॉक्सिसिटी होगी या फिर मिल्क मिल्क अल्कली सिंड्रोम के अंदर डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन जो होती है वो ऑलरेडी डैमेज टिश्यूज़ के अंदर होती है ठीक है अब जो मेटास्टेटिक थी वो नॉर्मल टिश्यूज के अंदर होती है और जो डिस्ट्रॉफिक है वो डैमेज टिश्यूज के अंदर होती है इसमें सीरम कैल्शियम लेवल आपका नॉर्मल ही रहता है और इसमें अगर कोई आपको पुरानी कोई चोट लगी हो ऑल ट्रोमा वाले में टीबी के लिए के अंदर और अगर आपके हार्ट वैल्स की जो स्कारिंग होती है उसमें डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन हो जाती है सेल इंजरी की जो कॉमन काजेज होती है इसमें इन्फ्लामेशन आती है न्यूट्रिशंस की डिफिशंसी हो सकती है सेलुलर हाइपॉक्सियाँ हो सकता है ट्रामा हो सकता है या फिर जेनेटिक म्यूटेशन हो सकती हैं अब जो जो होता है ना इसमें ऑक्सीजन आपकी कम हो जाती है जो कि ऑक्सीडेटिक फॉस्फोराइलेशन को इम्पेयर करती है एटीपी एटीपी पी की प्रोडक्शन कम हो जाती है और लैक ऑफ एटीपी की वजह से आपको सेलुलर इंजरी डेवलप हो जाती है दो तरह की इंजरी होती है सेलुलर इंजरी एक होती है रिवर्सिबल एक होती है इरिवर्सिबल जो हॉलमार्क है रिवर्सिबल इंजरी का वो सेलुलर स्वेलिंग होती है इसमें साइटोसोल आपका स्वेल कर जाता है लॉस ऑफ माइक्रोविलाय होता है मेम्ब्रेन के ब्लब्स बन जाते हैं रफ एंडो प्लाज्मा रेटिकुलम आपका स्वेल कर जाता है और उसमें राइबोसोम्स उससे डिसोसिएट हो जाते हैं और प्रोटीन सेंस आपकी कम हो जाती है और अल्टीमेटली आपका जो डैमेज होता है वो इर हो जाता है एरिवर्सबल uh, डैमेज का जो इ रिवर्सबल का जो हॉल मार्क है वो आपका मेम्ब्रेन डैमेज है ठीक है अगर आपको रिवर्सिबल सेल इंजरी का जो हॉल मार्क है वो सेलुलर स्वेलिंग है और इर रिवर्सबल सेलेंजरी में आपको मेम्ब्रेन डैमेज हो जाता है इसमें कैल्शियम का इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा होगा लेकेज होती है साइटोसोस के एंजाइम्स की सीरम के अंदर माइट्रोकॉडिया की मेम्ब्रेन भी डैमेज हो जाती है लाइजोमल मेम्ब्रेन भी डैमेज हो जाती है तो हाइड्रोलेटिक एंजाइम्स आपके साइटोसोल के अंदर रिलीज़ हो जाती है सारी मेम्ब्रेन डैमेज हो रही है लाइजोम्स की भी मेम्ब्रेन डैमेज हो रही है माइट्रोकॉडिया की भी मेम्ब्रेन डैमेज हो रही है और आपकी सेल मेम्ब्रेन का भी डैमेज हो रहा है तो और कैल्शियम इसके अंदर जाता है कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है और आपकी जो साइटोसोलिक एंजाइम्स होती हैं वो सीरम के अंदर या आपके ब्लड के अंदर रिलीज़ हो जाती हैं मॉर्फोलॉजिकल हालमार्क डेथ का क्या होता है सेल डेथ का वो इसमें लॉस ऑफ न्यूक्लियस होता है अगर तो न्यूक्लियस का लॉस हो गया इसका मतलब है कि सेल डेथ हो गई है जो कि न्यूक्लियर uh, कंडेंसेशन से होती है जिसे हम कहते हैं पिकनोसिस और जब न्यूक्लियस की फ्रेगमेंटेशन होती है इसे हम कहते हैं कैरियोरेक्सिस और जब न्यूक्लियस डिजोल्व करते हैं उससे हम कहते हैं कैरियोलाइसिस ठीक है न्यूक्लियर कंडेंसेशन आपकी पिकनोसिस होती है जब इसकी फ्रेगमेंटेशन होगी तो कैरियोरेक्सिस होगी और जब डिजोल्व कर जाते हैं उसे हम कैरियोलाइसिस कहते हैं नेक्रोसिस में डेथ हो जाती है आपके लार्ज ग्रुप ऑफ सेल्स की बाय एक्यूट इन्फ्लामेशन ठीक है एक्यूट इन्फ्लामेशन हुई और आपके जो बहुत नंबर ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ सेल्स थे उनकी एक साथ डेथ होती है इसे हम नेक्रोसिस कहते हैं कागलेटिव नेक्रोसिस होती है नेक्रोसिस नेक्रोटिक uh, जो टिश्यू होता है ना वो हमारे पास कॉगलेटिव नेक्रोसिस में फिल्म रहता है और सेल शेप और जो ऑर्गन का स्ट्रक्चर होता है वो प्रिजर्व रहता है क्योंकि आपकी प्रोटीन्स की कांगल्लेशन की वजह से लेकिन न्यूक्लियस डिसअपेयर कर जाता है ठीक है कॉगलेटिव नेक्रोसिस के अंदर ने जो सेल स्ट्रक्चर होगा जो सेल शेप होगी जो ऑर्गन का स्ट्रक्चर होता है वो प्रिजर्व ही रहता है क्योंकि कागलेशन ऑफ प्रोटीन्स होती है लेकिन न्यूक्लियस इसके अंदर डिसअपेयर कर जाता है और ये फिल्म भी रहता है जो कॉगलेटिव नेक्रोसिस होती है अब रेड इनफाक्ट्स क्या होते हैं रेड इनफाक्ट्स में आपका अगर तो अगर तो ब्लड इफ ब्लड दोबारा से आपके लूजली ऑर्गेनाइज टिश्यू के अंदर अगर आपका दोबारा से ब्लड री एंटर करता है तो उसे हम कहते हैं रेड इन्फॉक्शन होगी जो आपकी पलमनरी और टेस्टिकुलर इन्फॉक्शन में होते हैं ठीक है टेस्टिस में और पलमनरी आर्टरीज में आपका जो वो है, आ, है, न, है।, तो में है वो रेड इनफाक्ट्स होते हैं जिनकी यूजली डुअल ब्लड सप्लाई होती है ना उनके अंदर रेड इन फाक्ट्स होते हैं अब जो टाइप ऑनफॉक्ट्स हैं इसमें रेड इनफाट्स होते हैं ना वो विनस ऑक्लीजन की वजह से होता है जिनकी मल्टीपल ब्लड सप्लाईज होती है जैसे कि लंग की लिवर की इंटेस्टाइन्स की और टेस्टीज की ठीक है आपके लंग की भी डुअल ब्लड सप्लाई है लिवर की डुअल ब्लड सप्लाई इंटेस्टीन्स की डब्ल डुअल ब्लड सप्लाई टेस्टीज की भी डुअल ब्लड सप्लाई होती है तो जिनकी मल्टीपल ब्लड सप्लाईज़ होती हैं उनमें है। है, रेड इन्फॉक्ट्स होते हैं जो पेल इन्फॉक्ट्स होते हैं वो सॉलिड ऑर्गन्स के अंदर होते हैं जिनकी सिंगल एंड डार्टीरियर ब्लड सप्लाई होती है जैसे कि हार्ट किडनी और स्प्लीन के अंदर हार्ट के अंदर किडनी के अंदर स्प्लीन के अंदर सिंगल ब्लड सप्लाई होने की वजह से पेल इन्फॉक्ट्स आपके सॉलिड ऑर्गन्स में होते हैं उसके बाद आती है ल्यूक्यूफेक्टिव नेक्रोसिस लिक्वीफक्टिव नेक्रोसिस में नेक्रोटिक टिश्यू जो होता है वो लिक्विफाइड हो जाता है और इन्जामेटिक लाइसिस होती है सेल्स की प्रोटीन्स की भी लाइसिस होती है और आपको लिक्वि डेवलप हो जाती है जो कि ब्रेन के अंदर होती है एप्सिस के अंदर कहीं पे एपसिस हो रही है या ब्रेन के अंदर आपको लिक्वी नेक्रोसिस होती है ठीक है ब्रेन के अंदर और एप्सिस के अंदर आपको लिक्वी नेक्रोसिस होती है ब्रेन और एप्सिस के अंदर आपको लिक्वीफेक्टिव नेक्रोसिस होती है ठीक है ब्रेन और एप्सिस के अंदर अच्छा उसके बाद आता है <clears throat> uh, caseous Necrosis. क्रेशियस नेक्रोसिस में आपकी कॉगलेटिव और लिक्विफेटिव नेक्रोसिस दोनों एक साथ हो रही होती हैं ठीक है थीके? एक आपने पढ़ी कॉगलेटिव नेक्रोसिस ठीक है एक आपने पढ़ी लिक्यूफेक्टिव नेक्रोसिस जो कॉगलेटिव नेक्रोसिस थी उसमें आपका सेल की शेप ऑर्गन का स्ट्रक्चर प्रिजर्व रहता है कॉगलेशन प्रोटीन्स होती है न्यूक्लियस डिसेपेयेयेर हो जाता है लेकिन टिश्यू जो होता है वो फिल्म ही रहता है जो आपकी लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस थी इसमें नेक्रोटिक टिश्यू जो है वो लिक्विफाई कर जाता है इन्जामेटिक लाइसिस होती है सेल्स की भी प्रोटीन्स की भी और आपकी लिक्विफेक्शन डेवलप हो जाती है ब्रेन और एपसिस के अंदर होती है केशस नेक्रोसिस इन दोनों का कंबिनेशन होती है जिसमें लिक्विफेक्टिव

आपको फैट नक्रॉसिस मिलेगी पेंक्राटाइटिस की वजह से या ब्रेस्ट पे ट्रॉमा की वजह से हमें फैट नेक्रॉसिस मिलती है जो फाइब्रीनॉड नेक्रॉसिस है ना ये नेक्रोटिक टिश्यू होता है नेक्रोटिक डैमेज होता है आपकी ब्लड वेसल्स का ब्लड वेसल्स में जब नेक्रोटिक डैमेज होगा तो फाइब्रीनॉड नेक्रॉसिस होती है और ये मेलिग्नेट हाइपरटेंशन की करेक्ट्रिस्टिक्स होती है और वैस्कुलटिस ठीक है वैस्कुलटिस वाले पेशेंट्स के अंदर या मेलिग्नेट हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स के अंदर फाइब्रीनॉड नेक्रॉसिस हो जाती है उसके बाद आती है एपोप्टोसिस वेप्टोसिस में प्रोग्राम सेल डेथ होती है एंडोमीडियल शेडिंग जो मैंस्ट्रल साइकिल के अंदर होती है वे एपटोसिस होती है और सेल्स का रिमूवल होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियजैनिस प्रोग्राम सेल डेथ होती है एप ऑप्टोसिस एंडोमीटल शेडिंग होती है मैचुरल साइकिल के अंदर रिमूवल होता है सेल्स का ड्यूरिंग एम्ब्रोनाजेसिस और टी सेल मीडिएटेड किलिंग जो होती है वायरल इन्फेक्टेड सेल्स की सारी एबॉप्टोसिस की एग्जाम्पल्स हैं ठीक है एब में आपके प्रोग्राम सेल डेथ है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपकी एंडोमीडियल शेडिंग होती है जब एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर आपका रिमूवल ऑफ जो सेल्स होता है और जो वायरली इन्फेक्टेड सेल्स को जब टी सेल्स के किल करते हैं तो वो भी अब के की एग्जाम्पल है अब जो होती है वो कैसपेजिस से होती है जो कि आगे फर्दर प्रोटीजिस को और एंडो को एक्टिवेट करती हैं कैसपेजिस होंगी जो आगे प्रोटिएजेज और एंडो को एक्टिवेट करेंगी अब जो कैसपेज होती हैं वो मल्टीपल पाथ के थ्रू एक्टिवेट होती हैं एक इंट्रेंसिक माइटोकॉन्डल पाथ पे होता है एक एक्सट्रेंसिक रिसेप्टर लाइगेन पाथवे होता है अब जो इंट्रेंसिक माइटोकॉन्डल पाथवे है इसमें सेल की इंजरी हुई उसके बाद डीएनए का डैमेज हुआ हार्मोन स्टिमुलेशन का लॉस हो गया आपकी बी सी एल टू की इनएक्टिवेशन होती है साइटोक्रोम सी लीक करता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से साइटोप्लास्ट के अंदर एक्टिवेट कर देता है कैसफेज को ठीक है इंटेंसिक पाथवे के अंदर सेल की इंजरी होगी डीएनए डैमेज हो जाएगा उसका हार्मोनल स्टिमुलेशन लॉस हो जाती है बी टू की इनएक्टिवेशन होती है साइटोक्रोम सी लीक होता है आपकी माइट्रोकॉन्डिया की मेम्ब्रेन से में जाता है और आपको कैसपेजेस uh, को एक्टिवेट कर देता है अब एक्सटेन्सिक पाथवे जो होगा ना वो किसी रिसेप्टर्स के थ्रू होगा बाहर से हो रहा है फास्ट लाइग होता है जो बाइंड कर जाता है फास्ट डेथ रिसेप्टर के साथ जो सी डी नाइनटी फाइव होते हैं जो टारगेट सेल्स के ऊपर होते हैं और एक्टिवेट करते हैं कैसपेजेस को ठीक है जो टारगेट सेल है ना उसके ऊपर जो होते हैं फास्ट डेथ रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ फास्ट लैगन बाइंड कर जाते हैं और कैस फेजिज़स को एक्टिवेट कर देता है जो टी एन एफ ट्यूमन एक्रोटिक फैक्टर होता है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर होता है वो भी बाइंड करता है टी एन एफ रिसेप्टर के साथ टारगेट सेल के ऊपर और कैस फेजेस को एक्टिवेट कर देता है ठीक है एक फास्ट डेथ रिसेप्टर के साथ सी डी नाइनटी फाइव के साथ फास्ट लैगन बाइंड कर रहा है और टी एन एफ रिसेप्टर्स के साथ जो है वो आपका टी एन एफ बाइंड कर रहा है टारगेट सेल्स के ऊपर और अल्टीमेटली कैस फेजेस को एक्टिवेट कर रहा है जो इंट्रेंसिक एक्सटेंसिक पाथ में कैसपेस एट एक्टिवेट होती है और इंट्रेंसिक बाथमें में नाइन होती है फ्री रेडिकल्स फ्री रेडिकल्स आपकी केमिकल स्पीशीज होती हैं जिनके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है आउटर ऑर्बिट के अंदर और पार्शल रिडक्शन होती है तो हमें सुपर ऑक्साइड बन जाते हैं जब ऑक्सीजन की पार्शल रिडक्शन होती है तो हमें सुपरऑक्साइड मिलता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मिलता है हाइड्रोक्सिल है, रेडिकल्स मिलते हैं ठीक है ऑक्सीजन की पार्शल रिडक्शन से हाइड्रोक्सिलाइन हमें मिलता है सुपरऑक्साइड मिलता है और या पे सुपर ऑक्साइड हाइड्रोजन परोक्साइड या फिर हाइड्रोक्सिल रेडिकल हमें मिलते हैं अब पैथोलॉजिकल जनरेशन क्या होती है फ्री रेडिकल्स की आयनाइजिंग रेडिएशन की वजह से आपके पैथोलॉजिकली फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं जब आपकी इन्फ्लामेशन होती है जो एन ऑक्सीडेज़ होती है वो सुपर ऑक्साइड आयन को प्रोड्यूस करती है जब आपकी ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग होती है न्यूट्रोफिल्स की ठीक है जब इन्फ्लामेशन हुई एन ऑक्सीडेज में सुपर ऑक्साइड जनरेट करती है जब आपकी ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग होती है न्यूट्रोफिल्स की मेटल्स में आपके कॉपर और आयरन हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल को जनरेट करते हैं फेंटन रिएक्शन से ड्रग्स और केमिकल्स की वजह से या फिर जो कार्बन टाइट्राक्लोराइड होता है वो एपोलाइपो प्रोटीन्स को कम कर देता है और उसकी वजह से आपके लिवर के अंदर फैटी चेंज आता है ठीक है केमिकल्स के अंदर आपका कार्बन टाइट्राक्लोराइड की वजह से एपोलाइपो प्रोटीन्स कम हो जाती हैं लिवर के अंदर फैटी चेंज आता है और मेटल्स में कॉपर और आयरन फेंटन रिएक्शन से हाइड्रोक्सिल आयन को प्रोड्यूस करते हैं और जो एन ए डी पी एच ऑक्सीडेज होती है सुपरऑक्साइड आयन को प्रोड्यूस करती है ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग करा के न्यूट्रोफिल्स की उसके बाद आते हैं एमेलॉयडोसिस एमडोसिस आपकी एमोलॉइड आपकी एक मिस प्रोटीन होती है जो कि डिपॉजिट कर जाती है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर और और फिर डैमेज करती है टिश्यूज को जो एम एल आईड होते हैं वो हमें स्टेन से नज़र आते हैं एप्पल ग्रीन बाइफ्रंजनस होती है स्टेन से हमें एम एल आई डोसिस नज़र आती है मोस्ट कॉमन ऑर्गन जो अफेक्ट होता है वो आपके प्राइमरी एम के लिए वो किडनी होता है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ़ डेथ जो होती है वो कार्डिक फेलियर होता है रेक्टल बायोप्सी के ऊपर हमें एम एल आई नज़र आती है इसमें फैक्टर टेन की डेफिशिएंसी होती है और डायलिसिस की वजह से भी एम डेवलप हो जाती है बीटा टू माइक्रोग्लोबिन हमें मिलेंगी ठीक है जो बीटा टू माइक्रोगलोबिन होती है वो एसोसिएटेड होती है कार्पल टनल सिंड्रोम के साथ जो एम होती है ना ए एम एल क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के साथ एसोसिएटेड होती है जिसे हम कहते हैं आई बी डी या रिमेटाथ्राइटिस के अंदर सिनाइल एम के अंदर ट्रांस ट्रांसथाइरिटिन हमें मिलता है जो स्टेमिक येल एम एलआइडोस है वो मल्टीपल माइलोमा के अंदर होती है एल्जामज में बीटा एमेलॉइड प्रोटीन्स हमें मिलती हैं डायबिटीज़ के अंदर हमें एमाइलिन मिलती है एम जो है प्रोक्समल रेटिनल रीनल ट्यूबुलर एसरोसिस के साथ आर टी रीनल ट्यूबुलर एसरोसिस टाइप टू के साथ एसोसिएटेड होती है ठीक है अब जो एमेलाइडोस है ना ये हमारे पास एक मिसफल्ड प्रोटीस होती हैं जहाँ एक्स्ट्रा सेलोर स्पेस के अंदर डिपॉजिट कर जाती हैं और आपके टिश्यू को डैमेज करती हैं कॉन्गोस टेन से या फिर एप्पल ग्रीन बायोफ्रेंजन से हमें एमोलॉड डोसेज नज़र आती है प्राइमरी एमेलोडोस किडनी में होती है जो मोस्ट कॉमन डेथ है प्राइमरी एम्लोडोस की वो हार्ट फेलर या कार्डिक फेलियर की वजह से होती है रेक्टल बायोप्सी भी हमें नजर आती है बेस्ट कन्फर्म इसको हम रेक्टल बायोप्सी से करते हैं फैक्टर टेन की डेफिशिएंसी होती है इसके अंदर और डायलिसिस की वजह से हमें बीटा टू माइक्रोग्लोबिन मिलते हैं जो बीटा टू माइक्रोगलोबिन होती है वो काबल टनल सिंड्रोम के साथ भी एसोसिएटेड होती है ए एम एलआईडोस हमें क्रॉनिक इन्फ्लामेशन आई बी डी या फिर रिमिटाइड एनथ्राइटिस में मिलती है सिस्टामिक एल एलॉइडस हमें मल्टीपल मालूमा मिलते हैं सिनाइल एम एलआईडोस में ट्रांसथाटिन मिलती है एल्जाइमेस में बीटा एम एलॉड मिलती हैं डायबिटीज़ में एमाइलिन मिलती है और जो होती है वो प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूबर रिसोरो टाइप टू के साथ एसोसिएटेड होती है उसके बाद आते हैं इनफ्लामेशन जो इफ्लामेशन होती है इसमें आपके टॉल लाइक रिसेप्टर्स होते हैं जो कि आपके सेल ऑफ इन्नीट इम्यून सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो आपके इन्नेट इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं उसके ऊपर टॉल लाइक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं फॉर एक्जाम्पल पे और डेंड्राइटिक सेल्स पे इन्नेट इम्यून सिस्टम में आपके माइक्रोफिजिज़ आते हैं डेंड्राइटिक सेल्स आते हैं उनकी सर्फिस के ऊपर टॉल लाइक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और ये एक्टिवेटेड हो जाते हैं पैम्प मोलिक्यूल्स के थ्रू जो पैथोजन एसोसिएटेड मोलिकुलर पैटर्न्स होते हैं ना जो माइक्रोब्स के ऊपर होते हैं उनसे आपके टोल लाइक रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं फॉर एग्जाम्पल जो फ्लैजिलिन प्रोटीन है और जो लाइपोपोलीसैक्राइड्स हैं आपके पैथोजन एसोसिएटेड मोलिकुलर पैटर्नस होते हैं पैम्स होते हैं फ्लैजिलिन प्रोटीन एंड लाइपोपोलीसराइड फ्लैजिन प्रोटीन लाइपोपोलीसक्राइड आपके uh, जो है वो पैम्प मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनके थ्रू आपके टोल लाइक रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं इन्ट इम्यून सिस्टम के सिस्टम uh, के सेल्स के ऊपर जिसमें माइक्रोफेटिस और डेंड्राइटिक सेल्स आते हैं जो टॉल लाइक रिसेप्टर्स होते हैं वो आपके adaptive immunity की आ, के सेल्स पर भी प्रेजेंट होते हैं जैसे कि बी लिम्फोसाइड्स पर भी आपके प्रेजेंट होंगे जो प्रोस्टाग्लैंडिन आई टू प्रोस्टकलैनिन डी टू प्रोस्टेकलानिन ई टू वेजो डायलेशन कराते हैं और वैस्कुलर परमेबिलिटी को ज्यादा करते हैं आई टू डी टू ई टू वेजो डायलेशन कराते हैं वैस्कुलर परमेबिलिटी को ज्यादा करते हैं जो ल्यूकोट्राइन सी फोर डी फोर ई फोर होते हैं ये स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफेलेक्सिस होते हैं ये वेजो कंस्ट्रिक्शन कराते हैं ब्रोंकोस्पैज्म कराते हैं और वैस्कुलर परमेबिलिटी को ज़्यादा करते हैं ठीक है दोनों वैस्कुलप एमिटी को ज़्यादा कर रहे हैं ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करा रहे हैं ब्रोकोपालस करा रहे हैं वास्कुलर एमिटी को ज्यादा करते हैं जो प्रोस्टेक्लेंट्स आई टू डी टू ई टू होते हैं वेजो डायलेशन कराते हैं वास्कुलर एबिलिटी को ज़्यादा कर देते हैं जो ल्यूकोट्राइन बी फोर होता है वो अट्रैक्ट करता है और एक्टिवेट करता है न्यूट्रोफिल्स को ठीक है सी फोर डी फोर ई फोर स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ है वे जो कंस्ट्रक्शन कराएंगे ब्रोकोस पैस कराएंगे वैस्कुलर पेमबिलिटी को ज़्यादा कर देंगे जो बी फोर होता है वो एक्टिवेट करता है न्यूट्रोफिल्स को जो सी थ्री ए और सी फाइव ए एनाफाइलोटॉक्सिन्स होते हैं जो मास सेल्स की डिग्रेनोलेशन कराते हैं इस्टा मीस रिमीडिएटेड वेजोडाइलिशन कराते हैं और वैस्कुलर पेमेबिलिटी को ज़्यादा कर देते हैं जो सी थ्री ए है और सी फाइव ए है ये एनाफाइलोटॉक्सेंस होते हैं ये मा सेल्स को डीग्रेनुलेट करते हैं इस्टामीन्स की वजह से जो डाइल वेजो डाइलिशन होती है वो कराते हैं और वेस्कुलर पेमिटी को ज़्यादा कर देते हैं जो सी फाइव ए होता है वो कीमोटैक्टिक होता है न्यूट्रोफिल्स के लिए और जो सी थ्री बी होता है वो ऑप्शन इननाइजेशन कराता है फेगोसाइटोसिस के लिए ठीक है ऑप्शनिन होता है फेगोसाइटोसिस के लिए सी फाइव ए कीमोटैक्टिक है न्यूट्रोफिल्स के लिए और सी थ्री बी जो वो ऑप्शनिन होता है फेगोसाइटोसिस के लिए जो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स होता है वो माइक्रोब्स को लाइज करता है उनकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक होल बना के ठीक है जो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक सुराख बना के होल बना के माइक्रोब्स को लाइज कर देता है कार्डिनल साइंस क्या होते हैं इन्फ्लामेशन के सबसे पहला आता है रूबर रेडनेस कॉलर, वॉम्थ ट्यूमर स्वेलिंग डॉलर जिसमें आपको पेन होगा ब्रेड और पोस्ट लाइन ई की वजह से ठीक हो गया जो डॉलर है ना आपका पेन पेन क्यों होता है इन्फ्लामेशन के अंदर जो ब्रेडिकायनिन और जो प्रोस्टाग्लैंडिन ई होता है ब्रेडिकाइनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन टू आपके सेंसरी एंडिंग्स को सेंसिटाइज करके आपको पेन कराता है और लॉस ऑफ फंक्शन ठीक है और उसके बाद न्यूट्रोफिल और फंक्शन में आगे बढ़ते हैं इसमें क्या होता है रूबर रेडनेस कालर वॉम्थ ट्यूमर में स्वेलिंग आती है डॉलर में आता है पेन, पेन होता है डॉलर पेन है जो ब्रेडिकाइनर पोस्टालाइन ई टू की वजह से होते हैं जो कि आपके सेंसिन अवेयरनेस को सेंसीटाइज करते हैं और सेंसिटाइज करते हैं और लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है उसके बाद हम पढ़ते हैं न्यूट्रोफिल अलाइवर एंड फंक्शन ओके अब जो न्यूट्रोफिल के अराइवल और फंक्शन में पढ़ा था सबसे पहले इसमें क्या होती है न्यूट्रोफिल्स की मार्जिनेशन होती है मार्जिनेशन का मतलब ये होता है कि सेल्स माइग्रेट करते हैं आपके सेंटर से पेरीफ्री के ऊपर उसके बाद फिर रोलिंग होती है ठीक है रोलिंग में क्या होगा कि ये आपके सेलेक्टेंस के थ्रू होती है जो एल सेलेक्टेंस होती हैं वो आपके न्यूट्रोफिल्स के ऊपर होती हैं और जो पी सेलेक्टेंस होती हैं वो एंडथीलियल सेल्स के ऊपर होती हैं सिलेक्टेंस बाइंड करती हैं सेलाई लुइस एक्स के साथ जो कि लेकोसाइड्स के ऊपर uh, होता है और इंटरेक्शन कराती हैं जिसमें आपकी रोलिंग होती है लेकोसाइड्स के अलॉन्ग दैसल वॉल ठीक है अब जो रोलिंग है वो सिलेक्टेंस के थ्रू होती है एल सेलेक्टिन आपकी न्यूट्रोफिल्स भी होती हैं पी सेलेक्टेंस आपके एंडीथीलियल सेल्स के ऊपर होती हैं और सेलेक्टेंस जो होती हैं ना वो वो ल्यूकोसाइड्स के ऊपर एक सेलाई लुइज एक्स के साथ बाइंड कर जाती हैं और फिर इंटरेक्शन कराती हैं और इस तरह से जो ल्यूकोसाइड्स होते हैं वो वेसल की वॉल के ऊपर रोल आउट करते हैं ठीक है रोल करते हैं उसके बाद एडियन होती है मार्जिनेशन हो गई फिर रोलिंग करना स्टार्ट कर दी अब वो एडहेयर करेंगी इसे एक जगह पे जाके सेलुलर एडिहन मॉलिक्यूल्स में आई कैम और वी कैम मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि अपरेगुलेटर होते हैं एंथसीियम से जो इंटैग्रेंट्स होती हैं वो अपरेगुलेट करती हैं अपरेगुलेटर होती हैं एलिकोसाइड्स है, के ऊपर इंटरेक्शन होता है कैम मॉलिक्यूल्स का और इंटैग्रेंट्स का और फिर एडीहन डिवेलप हो जाती है एल्यूकोसाइड्स की वैसल बॉल के साथ ठीक है अब एंडोथीलीम के ऊपर आपका आई कैम और वी कैम मोलिक्यूल्स होंगे जो कैम uh, मोलिक्यूल्स होते हैं आई कैम वी कैम जो होते हैं uh, इनके साथ इंटैग्रेन्स बाइंड करती हैं और आपका लीकोसाइड वैसल वॉल के साथ एडेयर कर जाता है उसके बाद आती है ट्रांस माइग्रेशन एंड कीमोटैक्सिस पहले मार्जिनेशन हुई रोलिंग हुई एडिजन हुई एडीजन के बाद ट्रांस माइग्रेशन कीमोटैक्सिस ट्रांस माइग्रेशन कीमोटैक्सिस के न्यूट्रोफर्स अट्रैक्ट होते हैं बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स से जिसमें इंटोलोकिन एट आता है सी आता है लीकोट्राइन बी होता है ठीक है अब इंटोलोकिन एट ने सी ने और लिकोटाइन बी फोर ने अट्रैक्ट किया है न्यूट्रोफिल्स को बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स भी ठीक है इसमें बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स भी आते हैं लेकिन इंटो ल्यूकिन एट आता है सी फाइव होता है ल्यकोटाइन बी फोर होते हैं ये अट्रैक्ट करते हैं न्यूट्रोफिल्स को उसके बाद फेगोसाइटोसिस फेगोसाइटोसिस में आपकी कन्जम्पन हो जाती है पैथोजन की नेक्रोटिक टिश्यू की फेगोसाइटोसिस जो होती है वो ऑप्सन से एनहैंसड होती है जिसमें आई होती है और सी होती है ठीक है हमने पहले भी पढ़ा जो सी होता है वो ऑप्शन के करता है फॉर फेगोसाइटोसिस में तो सी और आई की वजह से आपकी फेगोसाइटोसिस होती है आपके पैथोजेंस और नेक्रोटिक टिश्यू की कंज़प्शन हो जाती है उसके बाद डिस्ट्रक्शन होती है फेगोसाइटोस मटेरियल की ये ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग होती है जो कि मोस्ट एफेक्टिव मैकेनिज्म है और सेवन पे आपकी रेजोल्यूशन हो जाती है माइक्रोफिजिस पी डोमिनेट करते हैं न्यूट्रोफिल्स के बाद और दो से तीन दिन तक पीक करते हैं इन्फ्लामेशन जब स्टार्ट होती है ठीक है सबसे पहले क्या होता है न्यूट्रोफिल्स के उसमें मार्जिनेशन होती है मार्जिनेशन में आपके सेल्स माइग्रेट करते हैं सेंटर से पेरफ्री के ऊपर उसके बाद आपके आती है रोलिंग रोलिंग आपकी सेलेक्टेंस के थ्रू होती है सिलेक्टेंस बाइंड करती है से एलाइल एक्स के साथ जो क्लिकोसाइड्स के ऊपर होता है और लिकोसाइड रोल करना स्टार्ट कर देते हैं एडींस में आपके आई कैम बी कैम मॉलिक्यूल होते हैं जो एलोथीलियम के ऊपर होते हैं उसके साथ आपके इंटाग्रेंट्स बाइंड करती हैं और लिकोसाइड एडिये कर जाते हैं उसके बाद ट्रांसमाइग्रेशन कीमोटैक्सिस होती है जिसमें आपके बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स होते हैं उससे में टैक्सीज और ट्रांसमाइग्रेशन होती है इंटोलिक एट होता है एलिकोटाइन बी फोर होता है सी फाइव ए होता है उसके बाद होती है फेगोसाइटोसिस फेगोसाइटोसिस में आईजीजी और जो सी थ्री ए होते है, वो तो करते हैं वो फेगोसाइटोसिस प्रात ऑप्शन के तौर पर फिर डिग्रेडेशन होती है फैगोसाइडोस मटेरियल की जो कि ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग होती है और उसके बाद रेजोल्यूशन हो जाती है जिसमें जो है वो प्रीडोमिनेट कर जाते हैं न्यूट्रोफिल्स के बाद और दो से तीन दिन तक की करते हैं इफ्लामेशन जब स्टार्ट होती है उसके बाद हम पढ़ते हैं क्रॉनिक इफ्लामेशन अब जो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होती है इसमें स्टिई कौन कौन से आते हैं अगर तो आपको बहुत अरसे तक इन्फेक्शन रहेगी परसिस्टेंट इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन कॉज है क्रॉनिक इन्फेक्शन की वायरसेस माइक्रोबैक्टीरिया पैरसाइट्स या फंजाई की इन्फेक्शन है ऑटोम्यून डिसीज के अंदर या फॉरेन मटेरियल या कुछ कैंसर के अंदर क्रॉनिक इफ्फ्लामेशन डेवलप हो जाती है जो एम एच सी क्लास टू मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्सप्रेस uh, होते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स से ठीक है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं वो एमएचसी क्लास टू मॉलिक्यूल्स को एक्सप्रेस करते हैं जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं वो एक टी एच वन सबसेट होता है एक टी एच टू सबसेट होता है जो टी एच वन सबसेट होता है वो इंटिलोकिन टू को सिक्रियट करता है और इंटोफेरॉन गैमा को सिक्रियट करता है जो इंटिलोकिन टू होती है वो टी सेल्स की ग्रोथ फैक्टर होती है और सी डी एट पॉजिटिव टी सेल एक्टिवेटर होती है सी डी एट पॉजिटिव टी सेल्स को एक्टिवेट करती है और जो इंटोफिरोन गैमा होती है वो मैक्रोफेज की एक्टिवेटर होती है ठीक है अब हेल्पर टी सेल्स दो तरह के हैं वो वन सबसेट एंड टू सबसेट जो वन सबसेट है उस इंटोल्यूकिन टू को रिलीज करता है और इंटोफिरोन गैमा को रिलीज़ करता है जो इंटोल्यूकिन टू होती है वो सेल टी सेल की ग्रोथ फैक्टर के तौर पर एक्ट करती है और सीडिएट पॉजिटिव टी सेल्स की एक्टिवेटर होती है और इंटोफिरोन गैमा आपके माइक्रोफिजिस को एक्टिवेट करता है जो टू सबसेट होता है वो इंटोलिकिन फोर को सीक्रेट करता है जो कि बी क्लास को स्विच कर देते हैं आईजीजी और आईजीई के अंदर ठीक है बी क्लास को स्विच कर देंगे आईजीजी और आईजीई के अंदर अब जो इंटोल्युकिन फाइव होती है वो आपके ईओसिनोफिल्स की कीमत एक्सेस कराती है एक्टिवेशन कराती है बी सेल्स की को मेच्योर करती है प्लाज्मा सेल्स में और क्लास स्विचिंग करती है आई के अंदर और जो इंटिल्यूकिन टेन होती है वो टी एच फिनोटाइप को इनहिबिट करती है ठीक है अब जो टू सबसेट है उससे फोर फाइव और टेन रिलीज होगी जो फोर होगी वो बी क्लास को आई और आई में चेंज कर देगी जो इंटोलोकिन फाइव होगा वो ए सोनफे को कीमोट एक्सिस कराता है उनकी एक्टिवेशन कराता है मिच्योर करता है बी सेल्स को प्लाज्मा सेल्स के अंदर और क्लास स्विचिंग कराता है आई जी ए के अंदर जो इंटोलोकिन टेन है वो वन सबसेट कोई वन फिनोटाइप को इनहिबिट करता है उसके बाद आते हैं ग्रेनोलोमा ग्रेनोलोमा में आपके एपिथिलोइ हिस्टियोसाइट्स की कलेक्शन होती है जो मोस्ट कॉमन सेल्स होते हैं क्रॉनिक इन्फ्लॉर्मेशन के वो मैक्रोफेजेस होते हैं और जो मोस्ट अबंडेंट सेल्स होते हैं क्रॉनिक इन्फॉर्मेशन में वो आपके लिम्फोसाइट्स होते हैं ठीक है इंपॉर्टेंट सेल्स माइक्रोफिज हैं और जो अबर्डेंट होते हैं वो लिफोसाइड्स होते हैं डी जॉर्ज सिंड्रोम क्या होता है इसमें आपका थर्ड और फोर्थ फ्रिंजल पाउच का डेवलपमेंटल फेलर होता है क्योंकि ट्वेंटी टू क्यू अलेवन माइक्रो डिलीशन हो जाती है इसमें थायमस की आ, का लैक करते हैं क्योंकि टी सेल डिफिशेंसी हो जाएगी थायमस नहीं होता है इनमें पैराथायरॉड ग्लैंड नहीं होता है हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा और एबनॉर्मेलिटीज आती हैं हार्ट की ग्रेट वेसल्स की और फेस की ठीक है डी जॉर्ज सिंड्रोम के अंदर आपका जो थर्ड और फोर्थ फ्रिंजल पाउचेस नहीं बनते हैं इनका डिफेक्ट होता है ट्वेंटी टू क्यू अलेवन आपकी माइक्रो डिलीशन हो जाती है टी सेल डिफिशेंसी होगी क्योंकि लैक ऑफ थाइमस होता है हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है क्योंकि लैक ऑफ पैराथाइराइड होगा और जो आपके हार्ट की ग्रेड वेसल्स के फेस की अब होती हैं SCID, है स्वेर कंबाइंड इम्यूनो डिफिफियसी एस सी आई डी कवेल स्वेवर कंबाइंड इम्यूनो होती है वो एक्सलिंगड होती है इसमें आपकी सेल मीडिएटेड और ह्यूमरल इम्यूनिटी दोनों ही डिफेक्टिव होती हैं इटियोलॉजीज में आपके साइटोकाइन रिसेप्टर के डिफेक्ट हो सकते हैं एडिनोसिन डीएमएनएज की डिफिशेंसी हो सकती है एडिनोसिन डी की डिफिशेंसी की वजह से आपको स्वेर कंबाइंड इम्यूनो इम्योडिशंसी डेवेलप हो सकती है जो कि एक्सलिंगड है और सेल मीडिएटेड ह्यूमरल इम्यूनिटी दोनों ही डिफेक्टिव होती हैं या फिर एमएमएस क्लास टू की डिफिशेंसी है ठीक है अब आपकी जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है और जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है दोनों ही आपकी डिफेक्टिव हो जाती है स्वेयर इम्यूनो इम्योडिफिफिफिशियंसी के अंदर एक्सलिंग होती है या तो आपके रिसेप्टर का इफेक्ट होगा या फिर आपके एडिनोसिन डीएमएनएस की डेफिशिएंसी होगी या फिर एमएससी क्लास टू की डेफिशिएंसी होगी और इसमें आपकी फंगल वायरल बैक्टीरियल प्रोटोजोल इन्फेक्शन और इवन अपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन और लाइव वैक्सीन से इन्फेक्शन डिवेलप हो जाते हैं जिनको स्वेर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशंसी होती है कंबाइन इम्य डिफिरसी आपको पहले बता रही है इसके दोनों डिफेन्ेंसी होंगे सेलमिडेटेडेडेडेडेड भी और यूमूरल इम्यूनिटी की भी अच्छा उसके बाद आता है एक्सलिन ए गैमोग्लोबी में एक्सलिन ए गैमोग्लोबी में का क्या होता है कि आपका इम्योनोग्लोबिल्स का कंप्लीट लैक होता है क्योंकि बी सेल्स की म्यचूरेशन सही से नहीं होती है ठीक है बी सेल्स की सही मेचूरेशन ना होने की वजह से आपकी जो गैमोग्लोबिल्स होती हैं अब इसमें क्या होता है कि बी सेल्स की मेच्योरेशन ना होने की वजह से ठीक है बी सेल्स की मेच्योशन ना होने की वजह से डिसऑर्डर मेच्योशन की वजह से आपकी गैमोग्लोबिल्स का कंप्लीट लैक होता है ये छः महीने के बाद प्रेजेंट करता है जो एक्सलिंग ए गैमोग्लोबीनीमिया होता है बच्चे को बार बार जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगी पोलियो की इफेक्शन हो सकती है कॉक्से की वायरस की इन्फेक्शन हो सकती है या जार्डिया लैम्बे की इन्फेक्शन हो जाती है जो पहले छः महीने में मेटल एंटीबॉडीज़ आपकी प्रोटेक्टिव होती हैं ठीक है एक्सलिंग ए गैमोग्लोबीनीमिया में आपकी सारी की सारी जो इमिनोग्लोबिन होती हैं उनका कंप्लीट लैक हो जाता है क्योंकि बी सेल्स की मेचूरेशन सही से नहीं होती है ए गैमोग्लोबीमिया इम्यनोग्लोब्लिनस नहीं होंगी गैमोग्लोब्लिनस नहीं होंगी ठीक है और ये छः महीने के बाद प्रेजेंट करती है क्योंकि फर्स्ट सिक्स मंथ तक मेटल एंटीबॉडीज प्रोटेक्टिव होती हैं कॉमन वेरिएबल इम्यूनो इम्योडिशेंसी क्या होती है कॉमन वेरिएबल इम्यूनो इम्योडिशेंसी के अंदर आपकी लो इम्यूनोगोग्लोबिल्स होती हैं क्योंकि जो बी सेल्स और जो हेल्पर टी सेल्स के डिफेक्ट होते हैं ठीक है इसमें बैक्टीरियल एंटेरो वायरल जार्डियल्बिक इन्फेक्शन का चांस हो जाता है और ये लेट चाइल्डहुड के अंदर प्रेजेंट करती है जो कॉमन वेरिएबल इम्यूनो uh, इम्यो होती है वो लेट चाइल्डहुड के अंदर प्रेजेंट करती है इसमें आपके बैक्टीरियल बैक्टेरियल एंटेरोल जाम्बिक इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं इसमें लो इम्यूनोगोग्लोब्लिन होती हैं क्योंकि आपके बी सेल्स और हेल्पर टी सेल्स के डिफेक्ट होता है अब आईजीए डेफिशंसी आई जी डेफिशियंसी के अंदर आपके सीरम के अंदर और म्यूकोजा के अंदर दोनों के अंदर आपकी आई जी ए के लेवल्स कम हो जाते हैं ये मोस्ट कॉमन इम्यूनोग्लोबुलिन डेफिशिएंसी है इसमें म्यूकोसल इफेक्शन के ज्यादातर वायरल इफेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं और ज्यादातर पेशेंट एसिम्टोमैटिक ही होते हैं आईजीए वाले विस्कॉट एलरिट सिंड्रोम क्या होता है विस्कॉट एलरिज सिंड्रोम के अंदर आपको थ्रोमोसाइटोपिनिया हो जाता है एक्जीमा होता है और बार बार इनफेक्शन हो सकती हैं क्योंकि आपकी जो ह्यमल और सैरोल इम्यूनिटी होती है वो डिफेक्टिव होती है ठीक है विस्कॉट एलरिज सिंड्रोम इसमें आपकी ह्यम्यूरल और सेल मिडिएटेड इम्यूनिटी दोनों ही डिफेक्टिव है आपके प्लेटलेट्स कम हो जाएंगी आपको स्किन पर रैश एक्जीमा डिवेलप हो जाएगा और बार बार इन्फेक्शन होंगी इसमें वैस्प जीन जो होता है विस्कॉट एलरिज सिंड्रोम जो पी जीन है वो ये एक्सलिंग होती है और वैस्प जीन की म्यूटेशन होती है उसके बाद आते हैं ऑटोसोमल ऑटोसोमल डिसऑर्डर, ज़्यादातर फीमेल्स के अंदर होते हैं और ये जो मोलिकुलर मिमिक्री होती है जिसमें आपको लैक ऑफ सेल टॉलरेंस डेवलप हो जाती है नेगेटिव सिलेक्शन होती है ठीक है डिसऑर्डर ज़्यादातर फीमेल्स में होते हैं मोलिकुलर मिमिक्री होती है लैक ऑफ सेल्फ टॉलरेंस हो जाती है नेगेटिव सिलेक्शन होती है पहले हम पढ़ते हैं एस अब जो हाइपर सेंसिटिव टाइप थ्रीपर टाइप थ्री हाइपर सेंसिटिव होती है एस के अंदर सिस्टामिकली ल्यूपस एरिथमेटोसिस के अंदर इसका जो मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट है वो आपका ए है और जो स्पेसिफिक टेस्ट होता है इसमें एंटी स्मिथ एंटीबॉडीज हमें मिलती हैं या फिर एंटी डबल स्टैंडर्ड डी एंटीबॉडीज हमें मिलेंगी एंटी स्मिथ सबसे ज़्यादा जो है, वो होती वो स्पेसिफिक होती हैं और वैसे इसके अंदर ए भी पॉजिटिव होते हैं एंटी स्टोन एंटीबॉडीज़ आपकी करेक्ट्रिस्टिक होती हैं अगर आपको ड्रग्स की वजह से एस एल ई डेवलप हुई होगी हाइड्रोलाजीन प्रोकिनमड आइसोनीसड या आपकी मोस्ट कॉमन जो है ना वो पी का निमोनिक है पी ठीक है प्रोकेनामाइड आइसोनाजिड हाइड्रोलिजीन ठीक है ये तीनों ड्रग्स आपकी ऐसे ही कराती हैं इसमें हम ग्रैनुलेशन टिश्यू की फॉर्मेशन होती है इनिशियल फेज ऑफ रिपेयर के अंदर और इसमें टाइप थ्री कॉलोजन प्रीडोमिनेट करता है उसके बाद माओफाइबर ब्लास्ट आपके वूड को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं स्कार की फॉर्मेशन होती है ठीक है जिसमें टाइप थ्री कॉलिजन रिप्लेस हो जाता है टाइप वन कॉलोजन से ठीक है अब जो ग्रैनुलेशन टिश्यू होता है उसकी जो जो ग्रैनुलेशन टिश्यू आपके रिपेयर की इनिशियल फेज में बनता है ना उसमें आपके टाइप थ्री कॉलोजन प्रीडोमिनेट करते हैं माओफाइबर ब्लास्ट होते हैं आपके वून को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं स्कार फॉर्मेशन के अंदर आप जो टाइप थ्री कॉलोजन होता है वो रिप्लेस हो जाता है टाइप वन कॉलोजन से जो टाइप थ्री कॉलोजन होता है वो प्लाइएबल होता है सॉफ्ट सा होता है ठीक है ग्रैनुलेशन टिशू में प्रेजेंट होता है एम्ब्रियनल टिशूज के अंदर होता है यूट्रस में होता है किलोइड में होता है हेपेट्रॉफिक स्कार के अंदर होता है ठीक है और जो टाइप वन कॉलोजन होता है इसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो स्किन के अंदर होता है बोन के अंदर होता है टेंडेंस में होता है मोस्ट ऑर्गन होता है अभी रिपेयर की चीजें बता दी हैं ठीक है कि जब ग्रेनलेन टिश्यू होता है वो आपके रिपेयर के इनिशियल फेज में बनता है इसमें टाइप थ्री कॉलोजन होता है और माई फाइबर ब्लास्ट होता है जो माई फाइबर ब्लास्ट होंगे आपके वूट को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं स्कार फॉर्मेशन के अंदर पहले आपका टाइप थ्री कॉलेजन होता है जो बाद में टाइप वन कॉलोजन से रिप्लेस हो जाता है जो टाइप थ्री कॉलोजन होता है तो वो थोड़ा प्लाइबल होता है इंब्रॉनल टिश्यूज के अंदर होता है स्कार के के अंदर अंदर होगा होगा इंब्रॉल टिश्यू में होता है यूट्रस में होता है लेकिन जो टाइप वन कॉलजन होता है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है वो स्किन में होता है वो बोन में होता है वो टेंडन में होता है बहुत सारे ऑर्गन्स में होता है जो कॉलेजिनेस इन्जाइम होती है ना वो टाइप थ्री को रिमूव करती है और इसके लिए जिंक को जिंक एज अ को फैक्टर हमें चाहिए होता है उसके बाद जो हीलिंग जो होती है ना वो प्राइमरी इंटेंशन के थ्रू होती है या फिर सेकेंडरी इंटेंशन के थ्रू होती है अब हीलिंग में सबसे पहले जो प्राइमरी इंटेंशन होगी उसमें जो वून एजेस होते हैं उसको हम एक, एक दूसरे करीब लाते हैं तो बिल्कुल अप्रोसीमेट हो जाते हैं और मिनिमल स्कार फॉर्मेशन होती है जैसे कि जो सर्जिकल इन होते हैं उसके बाद जो सेकेंडरी इंटेंशन होती है इसमें जो एजेस होते हैं उनको हम अप्रोसीमेट नहीं कर पाते हैं ग्रेनुलेशन टिश्यू से डिफेक्ट आपका फिल होता है और माई ब्लास्ट से और वून कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फिर वहाँ पर एक स्कार

फेंटन रिएक्शन हमने पहले भी पढ़ा कि इसमें हाइड्रोक्सिल आइन हमें मिलता है जिसमें कॉपर और आयरन की वजह से जो फेरस आइन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है फेरिक आइन के अंदर फेंटन रिएक्शन के अंदर जो फेरस फॉर्म होती है वो फेरिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है ठीक है अब आप पे शो भी किया हुआ है कि जो आपकी जो फेरस फॉर्म है वो फेरिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गई है ठीक है फेरिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गई है नोट uh, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो लिम्फैटिक स्प्रेड होते हैं ना वो कार्सिनोमास का होता है टिपिकली और जो ब्लड के थ्रू स्प्रेड होता है वो सारकोमास का होता है ट्यूमर जो होते हैं ना मेटेस्टेसाइज करते हैं ई कैड्रीनस की ब्रेकडाउन करा के ठीक है ई कैड्रींस की ब्रेकडाउन करा के ट्यूमर्स मेटेस्टेसाइज करते हैं कार्सिनोमास का लिम्फैटिक स्प्रेड होता है और सारकोमास का स्प्रेड होता है